कैसे और कैसे कैसे हमको बनाना है। तो सबसे पहले जब भी आपके दांत में दर्द होगा, दांत में दर्द दो ही कारण से होता है, दांत में पहली बार छोटे से हल्का सा कीड़ा लग जाएंगे जिस पे, तो पहली बार में आपको जैसे इस पे अगर काले रंग के हैं, ये दांत है और हल्के से काले रंग इस पे आ जाएंगे तो हल्का दर्द होगा, लेकिन उस समय आपको बुझा मतलब समझ में नहीं आएगा वो, मतलब ज़रा सा ही दिन, लेकिन कुछ दिन खाते 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 उस वो जगह और ज़्यादा काला हो जाएगी, जिस तरह इस तरह का काला हो जाएगी, इस तरह का काला हो जाएगी, तो दर्द बढ़ेगा, दर्द वहाँ से इन्फेक्शन बढ़ना चालू हो गया। तो आज मैं बिल्कुल ऐसे घरेलू नुस्खा लेके आया हूँ जिनको करने से आपको तुरंत ही लाभ मिलेगा। तो हमें करना क्या है, तो आप ये देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, तो ये जो पेड़ है, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, इसको आप अच्छी तरह से देख लें, इसमें छोटे छोटे पिल्लू वगैरह भी रहते हैं, बहुत ध्यान से इसको देखना है और इसको तोड़ना है। तो इतना ध्यान से तोड़ना है कि इसके जो पिल्लू होते हैं ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जहाँ जिस शरीर पे चढ़ेंगे वहाँ पे दुधरे दुधरे दाग उखाड़ देंगे। अगर आपको मतलब ये कर लिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम इसका तुरंत एक सेकेंड में आपको दवा बता देंगे। दवा क्या, एकदम बिल्कुल फ्री का इलाज बता देंगे। तो आपको क्या करना है, इस पेड़ की जो छाल है ना, छाल तो सूखे हुए छाल आपको नहीं लेना है, बिल्कुल ऐसे सूखे हुए छाल लेना है। ये देखिए मैंने डंठल अभी तोड़ के रखा है, डंठल बचा के तोड़ना है कि इसमें जो पिल्लू वगैरह है इसमें नहीं लगे हुए है। तो ऐसे जगह से डंठल तोड़ना है जिसका काम हो, जैसे आपके दांत में अगर दर्द है तो नहीं है तो इसको बे मतलब का नहीं तोड़े, ये फल देने वाला वृक्ष है, तो इस तरह का डंठल आप तोड़ लेंगे, इतना हरा होना चाहिए। देखिए ये अभी मैंने तोड़ा है, तुरंत ही है, ताज़ा ही है, अभी मैंने तोड़ा है ये डंठल से, इसमें पिल्लू वगैरह बहुत सारे हैं, तो इसको ध्यान से तोड़ लेंगे, इसकी छाल को छील लेंगे, छोटे छोटे छाल को, चार से पाँच इतने छाल को छील लेंगे, हरा होना चाहिए, और इसको इतना ज़्यादा पानी में उबाल लेंगे, इतना ज़्यादा पानी में उबाल लेंगे कि इसकी जो रंगत हो बिल्कुल इस रंग पे आ जाए, हरे रंग पे आ जाए। इस जब ये रंग आ जाए तो आपको क्या करना है, इसमें दो लौंग इसमें डाल देना है, दो लौंग डालने के बाद थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दे, ये मेरे पापा ने बताया है, जो स्वर्गीय वासी हो गए हैं मेरे पापा श्री जवाहर प्रसाद चौरसिया, उन्होंने बताया ये उपाय, और आज तक मैं मेरे दांत कबरवाने की ज़रूरत है। देखिए इस तरह के पिल्लू लगे हुए रहते हैं, ये आप देख रहे हैं ना, इस तरह के पिल्लू लगे, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक पिल्लू होते हैं, तो आप इस चीज़ को तोड़ते समय ध्यान रखिएगा। और मैंने बताया कि इसको गर्म पानी करके तो पूरा खौला लेना है, खौलाने के बाद इसकी रंगत हो और स्वाद अनुसार थोड़ा सा ढीला वाला नमक ले लेना है, पाउडर वाला नमक नहीं लेना है, ढीला वाला नमक ले लेना है, और थोड़ा सा लौंग ले लेना है, लौंग दो से चार होना चाहिए, और मुंह में रख के 10 सेकंड तक आपको कुचुर कुचुर करना है, 10 सेकंड के बाद उसको फेंक देना है, फिर 10 सेकंड करने, इस तरह आपको करने से दांत में तुरंत ही राहत मिलेगा और वो दांत कबरवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों एक बात का मैं ज़रूर आपको ध्यान में बता देता हूँ कि मेरा चैनल है ऑल इन वन चैनल 36 में, फिर से स्वागत है। वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक करके बटन दबा दें, और जो भी मैं वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको जाए तो ऑल जो घंटी प्रेस है उसको ऑल पे प्रेस कर दें। ध्यान रखिए इस बात की कि दांत जब भी आपके दुखते हैं तो उनमें उसके साइड में जो मसूड़े होते हैं ना वो फूल जाते हैं, जिस कारण से उसमें बैक्टीरिया है और दर्द है वहाँ, वो तब दर्द होगा, सूजन नहीं होगा तो दर्द नहीं होगा किसी कारण से। हाँ दर्द एक समय ऐसा भी होता है, जैसे मान लें आप चावल वगैरह खाते हैं उसमें थोड़े से कंकड़ वगैरह आपके दांतों के नीचे आ जाते हैं तो मसूड़ों को टच करते तब वो दर्द होता है, ऐसे दांत में दर्द नहीं होगा, मसूड़ा में फूलल सूजन होगा तभी दांतों में दर्द होगा, इस बात को मैं 100% गारंटी के साथ मैं बता देता हूँ। अगर दांत, और एक मैं बहुत ही ज़रूरी आपको बात बता देता हूँ कि आपकी जितनी उम्र हो आपकी दांत डॉक्टर के पास जाकर दिखवा ले, आपको अगर संतुष्टि नहीं मिले तो दांत को दिखवा ले, लेकिन कभी भी लाइफ में दांत को उखड़वाए नहीं, क्योंकि दांत जब उखड़वाएंगे नहीं तो आपके आँखों पे
बहुत ज़्यादा भार पड़ेंगे और आँख की रोशनी का कारण यही होता है कि चश्मे चढ़ जाते हैं। तो इस बात को सदा ध्यान रखें आप, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बुजुर्ग, मैं उनसे नर्म निवेदन करता हूँ कि दांत को नहीं निकलवाएं। दांत निकलवाने से आंखों की रोशनी भाग जाती है, आप बड़े बुजुर्ग से भी पूछ सकते हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें दांत निकलवाने की। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटियों में गारंटी के साथ, लिखित के साथ आपको बता देता हूँ कि दांत का दर्द अगर आपको कभी भी परेशान कर रहा है तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट करके भेज दीजिए, मैं लिंक भेज दूंगा आपको। मैंने भी वही किया है और आज तक मैं अपना दांत बचा के रखा हूँ। देखिए पूरी तरह से वो काला हो गया लेकिन उसमें दर्द नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। देखिए डॉक्टर बोला था कि इसको निकलवा दो लेकिन मैंने कहा कि कभी भी नहीं निकलवाऊं क्योंकि मैं जानता हूं कि दांत निकलवाने से आंखों की रोशनी भाग जाती है। तो ये इस बात का सदा ध्यान रखें और बिल्कुल अच्छी तरह से बनाएं ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं। ये सहजन का डाल है, सहजन, सहजना बोलते हैं हम लोग, इसकी सब्जी भी बनती है सहजने की डाल। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आपको वीडियो में एक बार देख ले, दो बार देख ले, तीन बार देख, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपका दिन मंगलमय हो यही मैं चाहता हूँ और डॉक्टर के पीछे आप ना भागें यही मेरी दुआ है। और आपको जो परेशानी है वो हमें बताइए, हम आपका सोल्यूशन जरूर निकाल देंगे चाहे वो कितनों भी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।